वेलकम टू माय चैनल। तो आज जो है मैं एक हेलमेट की अनबॉक्सिंग करने वाला हूँ। वो हेलमेट मेरे को स्टीलबर्ड ने भेजा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू स्टीलबर्ड फॉर सेंडिंग मी दिस हेलमेट। और मैं इस हेलमेट की अनबॉक्सिंग करूँगा, इसके फीचर्स बताऊँगा एंड इसका प्राइस बताऊँगा। उस प्राइस में लेना सही है कि नहीं है वो भी, प्लस इसका एप्लीकेशन की है, हेलमेट आप कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं बेसिकली। तो चलिए फिर इसकी अनबॉक्सिंग शुरू करते हैं। ओके, सो सबसे पहले बॉक्स में जो हमको मिलता है, ये दो बुक्स मिल जाती हैं, एक माइथोलॉजिकल बुक है और एक नॉवल टाइप की बुक है। बस या तो ये है हेलमेट स्टीलबर्ड का। या इट फील्स प्रीमियम, काफ़ी देखने में अच्छा है ये हेलमेट और काफ़ी कॉम्पैक्ट है। तो शुरू करते हैं इसके नाम से। ये जो हेलमेट है इसका नाम है स्टीलबर्ड का बंकर रैक, इसको बोलते हैं बंकर रैक। एंड ये जो हेलमेट है इसको SBS 10 भी बोलते हैं, बंकर रैक। एंड इसका दूसरा नाम SBS 10 है। तो मेरा पहला जो पिछला वाला रिव्यू था स्टीलबर्ड का SBA 2 था, ये SBS 10 है। तो SBA 2 में क्या प्रॉब्लम थी कि उसमें पैडिंग्स बहुत थोड़ी कम मेरे को फील हुई थी। तो जब ये हेलमेट मैंने देखा इसमें पैडिंग्स काफ़ी अच्छी हैं, काफ़ी इम्प्रूव करी गई पैडिंग। पता नहीं आप देख पा रहे होंगे कि नहीं, आई थिंक ये दिख नहीं रहा होगा। ओके, तो इसकी जो पैडिंग है काफ़ी अच्छी है। तो बात करते हैं सबसे पहले इसके शेल की। तो इसका शेल काफ़ी मजबूत है एंड जो प्रेस रिलीज ब्रोशर था उसमें ये देखने को पता चला कि ये ECE 22.05 सर्टिफिकेशन इसको मिला है। बट मेरे को ऐसा कोई इसमें लोगो नहीं दिखा ECE का, बट यहाँ पर मेरे को ISI का मार्क दिखा, जो कि अच्छी बात है। सो देखने में तो शेल मेरे को काफ़ी मजबूत लगा। यू कैन सी मैं पूरा दम लगा रहा हूँ बट फिर भी मजबूत है ये। ओके, तो और शेल में आपको यहाँ पे किनारे स्टिचेस मिल जाती है, जो कि एक काफ़ी रॉयल और रेट्रो लुक देती है इस हेलमेट को। प्लस यू कैन सी ये ग्राफिक्स जो है आपको काफ़ी इसमें प्लेन ग्राफिक्स भी मिल जाएंगे, अलग अलग कलर्स मिल जाएंगे, जैसे नियॉन में ऑरेंज है, नियॉन फ्लोरेसेंट वगैरह अलग अलग हैं। तो मेरे ख्याल से 10 to 15 इसके जो कलर वेरिएंट आपको मिल जाएंगे, 10 तो हैं। प्लस बात करते हैं इसके वाइज़र की। तो ये स्क्रैच रेजिस्टेंट वाइज़र, स्क्रैच प्रूफ नहीं है, स्क्रैच रेजिस्टेंट वाइज़र है एंड वाइज़र की क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। प्लस यहाँ पे ये जो चीज़ देख रहे हैं इससे इसको स्टेबिलिटी मिल जाती है, मैं ये नोटिस किया हूँ, ठीक है। और बेसिकली ये हेलमेट कहाँ पर यूज़ होता है मैं बताता हूँ। तीन जगह यूज़ होता है। जो पहला रीज़न है जिसके पर्पज़ से हेलमेट को बनाया गया है वो है रॉयल एनफील्ड ओनर्स के लिए। तो अगर आप रॉयल एनफील्ड ओनर्स हैं या फिर आपके पास कोई ऐसी बाइक है जो फिर क्लासिक और रेट्रो लुक देती है, तो उसके लिए हेलमेट काफ़ी सूट करता है, क्योंकि जो कस्टमर्स हैं, जो ओनर्स हैं, उनको ऐसा हेलमेट अपनी बाइक पसंद है। तो डेफिनेटली यू कैन यूज़ दिस हेलमेट ऑन योर बाइक्स। और जो सेकेंड चीज़ है, मान लीजिए आपके पास स्कूटी वगैरह या फिर आप डेली टू डेली या ट्रैवल कम्यूट करते हैं सिटी में ही, आपके पास स्कूटी है और ऑफिस टू होम, स्कूल टू होम, बस ऐसी जगह चलते हैं, तो उनके लिए ये हेलमेट काफ़ी परफेक्ट है। छोटा सा कॉम्पैक्ट हेलमेट है, आपकी स्कूटी के जो डिग्गी बोलते हैं उसमें आ जाएगा। आपको साइज़ कंपेयर करा देता हूँ, ये इसका साइज़ है एंड ये मेरे हेलमेट का साइज़ है। ओके, तो आप कंपेयर कर सकते हैं कि हेलमेट का साइज़ क्या है, ये साइज़, ठीक है। तो इससे बेनिफिट क्या मिल जाता है कि ये हेलमेट जो है मेरा किसी डिग्गी में नहीं आता है स्कूटी की, बट ये आसानी से आ जाता है। तो ये एक प्लस पॉइंट है इस हेलमेट का। फिर तीसरा पॉइंट जो है, जैसे मान लीजिए आपको कोई पिलियन है, उसको हेलमेट वगैरह की आदत नहीं होती है या फिर उसको सफोकेशन होती है, तो डेफिनेटली ये ऐसा हेलमेट है जिसमें उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। काफ़ी छोटा सा कॉम्पैक्ट सा हेलमेट है, तो मैं पहन के दिखाता हूँ। वैसे हाँ, इसमें यहाँ पे नेक पैडिंग भी दी है जो कि काफ़ी अच्छी क्वालिटी की है, लेदर की है ये, और ये रिमूवेबल भी है। इसके अंदर की सारी पैडिंग्स रिमूवेबल है, आप इसको ईजिली वॉश कर सकते हैं ताकि हाइजीनिक बना रहे और इसमें आपको स्मेल वगैरह ना आए, ठीक है। तो काफ़ी अच्छा हेलमेट मेरे को लगा। और नॉर्मली ये बकल टाइप के जो पुश एंड प्ले वाला जो इसमें सिस्टम होता है वही है। तो अब बात करते हैं इसको पहन के। या तो ये जो साइज़ है मीडियम मेरे को मिला है एंड फिटिंग की बात करें तो बहुत अच्छे से फिट हो गया है, ये मेरे को लूज़ नहीं है और मीडियम साइज ऑलरेडी मेरे को लगता है। तो बात करते हैं इसके वेट डिस्ट्रीब्यूशन की। जो नॉर्मल हेलमेट्स होते हैं उसमें क्या इश्यूज होते हैं कि कुछ का वेट काफ़ी पीछे तरफ होता है
और कुछ का वेट काफ़ी आगे तरफ होता है, मैंने ही नोटिस किया है। जनरली जो हाफ फेस हेलमेट होता है उसमें वेट जो है पीछे की तरफ होता है, बट इसमें वेट डिस्ट्रीब्यूशन के बाद काफ़ी अच्छा हेलमेट है, तो एकदम बीच में इसका वेट है, तो पूरी तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड है। और इसका वाइजर भी काफ़ी अच्छा है। वेल, जो लोग गॉगल्स पहनते हैं, सनग्लासेस पहनते हैं, तो सबसे पहले ये चेक करते हैं कि इसमें आप आसानी से पहन सकते हैं कि नहीं, क्योंकि इसमें डिस्टेंस अच्छा खासा दिया है वाइजर और अपनी आईज के बीच में। ओके, तो मेरे पास या ग्लास है ये, तो आप इजीली कोई भी गॉगल्स वगैरह सनग्लासेस वगैरह इसके ऊपर पहन सकते हैं। लेट मी फोकस हियर। ओके, तो आप पहन सकते हैं, आप देख सकते हैं कि बहुत अभी भी स्पेस है अच्छी खासी। ओके, तो ये है पॉइंट, और बाकी फिटिंग तो अच्छी है इसकी। या अब बात पड़ती है कि सफोकेशन जिन लोगों को होती है, तो डेफिनेटली ये फुल फेस हेलमेट नहीं है, हाफ फेस हेलमेट है, तो फ़ोन वगैरह पे जैसे किसी को अचानक से रोक के बात करना हो तो इसमें आसानी से कर सकते हैं। और इसमें ईयर्स में भी मेरे को कोई दर्द नहीं हो रहा है, क्योंकि फुल फेस हेलमेट में क्या होता है कुछ में कि एकदम कान वगैरह जगड़ लेता है, तो ठीक है। और इसमें यहाँ पे नेक जो प्रोटेक्शन दी है, जो पैडिंग्स दी, उसकी वजह से आपको काफ़ी आराम मिल जाता है। और तो मेरे को इसमें इसका जो लुक है काफ़ी अच्छा लगा। बस तो यही था मेरा रिव्यू, और इसके एप्लीकेशन यही थे कि आप अगर डेली कम्यूटर हैं तो डेफिनेटली इस हेलमेट को बाय कर सकते हैं, या फिर आपको हेलमेट की आदत नहीं है तो इससे स्टार्ट करिए, बिकॉज इसमें सफोकेशन नहीं होगी आपको, एंड यू कैन जस्ट ट्राई दिस। काफ़ी अच्छा है, काफ़ी लाइट वेट है, बहुत लाइट वेट है। इसका वेट तो इसमें नहीं लिखा है, या लिखा है, इसका वेट है 900 प्लस माइनस 20 ग्राम, तो वह 900 ग्राम का है, तो कुछ 1 kg भी नहीं है, तो बहुत बढ़िया हेलमेट है। एंड इसकी पैडिंग तो सच में अच्छी है, मोटी काफ़ी, यू कैन सी। तो बस यही था मेरा आज का रिव्यू। अगर आपको ये हेलमेट पसंद है तो मैं इसकी लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, और ये हेलमेट का प्राइस अराउंड 199 मतलब लगभग 2000 रुपये की है, और मेरे ख्याल से 2000 में के कम में भी आई, जिसमें आपको प्लेन ग्राफिक्स मिल जाएगा, अलग अलग तरह के ग्राफिक्स मिल जाएंगे, काफ़ी तरह के ऑप्शंस अवेलेबल हैं, तो आप ज़रूर चेक करिए। और मैं तो आपको यही रिकमेंड करूँगा कि आप ये हाफ फेस हेलमेट ना लेके एक फुल फेस हेलमेट लीजिए, जो कि आपको डेफिनेटली ज़्यादा प्रोटेक्शन देगा, क्योंकि इसमें जॉब प्रोटेक्शन तो आपको मिलती नहीं, बट स्टिल ये हेलमेट ले लीजिए अगर आपको लगता है कि आप फुल फेस हेलमेट में नहीं रह पाएंगे। तो ठीक है, फिर यही था मेरा रिव्यू, एंड आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो उसको लाइक करिए, शेयर करिए, एंड अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, ऐसे कॉन्टेंट्स और आते रहेंगे। हेलमेट तो अच्छा लग रहा है मेरे को, सोच रहा हूँ डेली कम्यूटिंग के लिए कभी कभी यूज़ कर लूँ, वरना अपने घर में जैसे मेरे पापा क्या है कि उनको हेलमेट ज़्यादा आदत नहीं है, कभी कभी क्या करते हैं बिना हेलमेट के भी चले जाते हैं, और ऑलरेडी उनका अभी पिछला हेलमेट एक चोरी हो चुका है जो कि काफ़ी लाइट वेट था, तो मेरा जो पिछला वाला स्टड्स का शिफ्टर था उनके बहुत टाइट पड़ता है, तो उनको मैं ये हेलमेट सोच रहा हूँ दे दूँ, बिकॉज उनके लिए सही रहेगा। तो ठीक है, अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, और बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, बाय बाय।